अहमदाबाद एयरपोर्ट से साबरमती आश्रम के बीच प्रधानमंत्री मोदी और जापान के पीएम शिंजो आबे आज रोड शो करेंगे। 8 किलोमीटर लंबे रूट पर 30 से ज्यादा स्ट्रीट बनाए गए। मोदी और शिंजो साबरमती आश्रम पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। ऐतिहासिक सिद्दी सैयद मस्जिद भी जाएंगे। मोदी और शिंजो साबरमती में बुलेट ट्रेन परियोजना का शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम में 10,000 से ज्यादा लोग शामिल होंगे। दोनों देशों की सालाना बैठक कल अहमदाबाद में होगी। पीएम मोदी ने ट्विटर पर कहा, दोनों देश अलग अलग क्षेत्र में संबंध और मजबूत बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव के मामले पर आज भारत इंटरनेशनल कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। अदालत ने भारत को दलीलें पूरी करने को कहा है। पाकिस्तान के गृहमंत्री एहसान इकबाल का आरोप, कुलभूषण जाधव चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को बाधा पहुंचाने के लिए बलूचिस्तान में पहुंचे थे। एहसान इकबाल ने कहा है कि पाकिस्तान सीपैक के मामले को अदालत में सबूत के तौर पर रखेगा। पाक को 13 दिसंबर तक जवाब देना है। रोहिंग्या मुसलमान भारत का कड़ा जवाब दिया है। इस पर यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजीव चंदर ने कहा, दूसरे देशों की तरह भारत भी अवैध प्रवासियों से परेशान है। सांसदों विधायकों के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा सुनवाई के लिए विशेष कानून बनाकर फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो। आज से ज्यादा संपत्ति के मामले में सीबीडीटी ने 7 सांसदों और 98 विधायकों के नाम सुप्रीम कोर्ट को सौंपे हैं। ये वो हैं जिनकी आय से पिछले 2 चुनाव में संपत्ति कई गुना ज्यादा बढ़ गई। सूरत में हिंसा के बाद अब हालात सामान्य है। मंगलवार को पुलिस ने बीजेपी के कार्यक्रम का विरोध कर रहे कुछ पाटीदारों को हिरासत में लिया था, जिसके बाद हिंसा भड़क उठी थी। देश में महंगाई 5 महीने के उच्चतम स्तर पर है। जुलाई में खुदरा महंगाई दर 2.36% थी, अगस्त में 3.36% हो गई। पीएम मोदी ने मंत्रियों को काम पर ध्यान देने की नसीहत दी है। कैबिनेट फेरबदल के बाद पहली बैठक में पीएम ने कहा, काम से काबिलियत साबित करें। 22 सितंबर को 2 दिन के दौरे पर वाराणसी जाएंगे पीएम मोदी। 6 परियोजनाओं का लोकार्पण और 21 का शिलान्यास करेंगे। प्रद्युम्न मर्डर केस में गुरुग्राम पुलिस शनिवार को चार्जशीट दाखिल करेगी। पुलिस को स्कूल कैंपस के कुछ और सीसीटीवी वीडियो मिले हैं, जिसकी जांच की जा रही है। प्रद्युम्न मर्डर केस में एसआईटी ने आरोपी कंडक्टर अशोक की हत्या को हत्यारा माना है। एसआईटी का दावा है कि कंडक्टर के खिलाफ पर्याप्त सबूत है। पुलिस ने स्कूल मैनेजमेंट को नोटिस जारी कर कुछ और दस्तावेज मांगे। लापरवाही के लिए जिम्मेदार मैनेजमेंट के लोगों का पता लगाया जा रहा है। प्रद्युम्न मर्डर केस में सस्पेंड स्कूल प्रिंसिपल नीरजा बत्रा से पूछताछ हुई। इससे पहले वो बीमारी का हवाला देकर पूछताछ में शामिल नहीं हुई थी। हरियाणा पुलिस की टीम मुंबई में रैन पिंटो से आज दोबारा पूछताछ करेगी। स्कूल के सीईओ पिंटो पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2016 की धारा 75 भी लग सकती है। बॉम्बे हाई कोर्ट में आज पिंटो की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी। हाई कोर्ट ने आज तक के लिए गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। प्रद्युम्न मर्डर केस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा, प्रद्युम्न पर यौन हमला नहीं हुआ। आज गुरुग्राम में सेक्टर 31 और 40 के रायन इंटरनेशनल स्कूल खुलेंगे। स्कूल में पुलिस के कुछ जवान मौजूद रहेंगे। वोंसी रायन स्कूल कल तक बंद है। दिल्ली के प्राइवेट स्कूल ने डांस टीचर के खिलाफ दर्ज कराया यौन शोषण का केस। 5वीं क्लास की छात्रा को कपड़े उतारने के लिए कहा, टीचर बर्खास्त। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, बच्चों के खिलाफ हिंसा और यौन उत्पीड़न जरूर रुकना चाहिए। हाईकोर्ट ने राजधानी के स्कूल में 5 साल की बच्ची से रेप का स्वतः संज्ञान लिया। दिल्ली सरकार ने स्कूलों के आसपास चलने वाली शराब की दुकानों की जानकारी मांगी। नियम के मुताबिक स्कूल के 100 मीटर के दायरे में शराब की दुकान नहीं चलाई जा सकती। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के नतीजे आज आएंगे। वोटों की गिनती 8:30 बजे शुरू होगी। युति मानहानि केस में केजरीवाल समेत 5 नेताओं पर ट्रायल चलता रहेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगाने से इनकार किया है। डीडीए को नई आवासीय योजना के लिए करीब 41,000 आवेदन मिले हैं। इस योजना के तहत डीडीए 4 कैटेगरी में 12,000 फ्लैट्स बेच रहा है। मुंबई के फिल्डर प्रदीप जैन की हत्या के मामले में टाडा कोर्ट ने रियाज सिद्दीकी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। 7 मार्च 1995 को प्रदीप जैन को गोली मार दी गई थी। यूपी में भ्रष्टाचार के मामले में अफसरों की काली कमाई रोकने के लिए कानून बनाएगी योगी सरकार। 300 से ज्यादा अफसरों की जायदाद जांच के घेरे में। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी से फ्लैट खरीदने वालों के लिए राहत की खबर है। यूपी सरकार ने 50,000 बायर्स को 3 महीने में फ्लैट देने का आदेश जारी किया है। यूपी कर्ज माफी के नाम पर किसानों के साथ बड़ा मजाक। राज्य के वित्त मंत्री ने किसानों को 27 रुपए से लेकर 341 रुपए तक की कर्ज माफी के प्रमाण पत्र बांटे। यूपी के अंबेडकर नगर में टीचर्स से मिलकर एक छात्र को बेरहमी से पीटने का आरोप। हाथ, पैर और पीठ में गंभीर चोटें आई हैं। परिवार ने टीचर्स के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। यूपी के फरुखाबाद में गैंगरेप पीड़ित पर एसिड अटैक किया गया। पीड़ित महिला 55% जल चुकी है और उसकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। गोरखपुर में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने 2 गेस्ट हाउस में छापा मारकर करीब 12 लड़के लड़कियों को हिरासत में ले लिया है।
छत्तीसगढ़ के खजूर में एक युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई। मारा गया युवक पहले नक्सलियों के साथ काम करता था, साल भर पहले उसने सरेंडर कर दिया। पटना में सीबीआई अफसर बनकर लूटपाट करने वाली एक महिला और उसके साथी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दोनों एक फ्लैट में छापेमारी करने के लिए पहुंचे। एमपी के मुरैना में एक व्यक्ति ने अपने ससुर से मारपीट की और पत्थर से उसकी नाक काटने की कोशिश की। उसकी शिकायत थी कि घर में बेटा पैदा होने पर भी गिफ्ट नहीं दिया गया। देखिए, सीतापुर में क्राइम ब्रांच ने चोरों के एक गैंग का पर्दाफाश किया है। इसके पास से 1,00,000 रुपए, 20,000 कैश मिला है। कीमत की गहने और हथियार भी इसके पास से बरामद किए गए। एटा में शराब पीने से रोकने पर भड़के एक व्यक्ति ने 3 बच्चों को गोली मार दी। 2 की मौत हो गई, तीसरे की हालत गंभीर बनी। एमपी के बालाघाट में एक बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी और मां को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर दिया। राजस्थान के प्रतापगढ़ में 5 साल की बच्ची से रेप का मामला सामने आया है। पड़ोस में रहने वाला 25 साल का आरोपी वारदात के बाद से फरार है। अपने ट्रैक्टर में स्क्रैच लगने से अमृतसर में एक व्यक्ति इतना गुस्सा हो गया कि उसने 6 साल के बच्चे की हत्या कर दी। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर दिया। एमपी के शिक्षा मंत्री कुमार विजय शाह ने अजीबोगरीब फरमान जारी किया है। मंत्री ने कहा है कि 1 अक्टूबर से राज्य के सभी स्कूलों में जय हिंद बोलकर अटेंडेंस दर्ज कराई जाएगी। एमपी के चिंदवाड़ा में गुलाबी गैंग ने शराब की एक दुकान जबरन बंद करवा दी। महिलाओं का कहना है कि शराब की दुकानों को रिहायशी इलाकों से हटाया जाए। एमपी के रायसेन में बदमाशों ने एक सिपाही को गाड़ी से कुचल दिया, उसकी मौके पर मौत हो गई। सिपाही एक मामले में शामिल 2 आरोपियों को पकड़ने के लिए गया। एमपी के शिवपुर में नाबालिग लड़की को अगवा कर 2 बदमाशों ने गैंगरेप किया और बंद घर में छोड़कर भाग गए। पुलिस को आरोपी जीतू गुर्जर और नरेंद्र गुर्जर की तलाश है। देहरादून में एक महिला ने पुलिस वालों की पिटाई की। शिकायत के दौरान कहासुनी के बाद महिला गुस्साई, खुद को जज बताया। उत्तरकाशी में भूस्खलन से भारी तबाही, कई यात्री फंसे। मलबे में सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की कतार लंबी लग गई है। नोएडा में तूफान इरमा की तबाही का एक वीडियो जारी किया गया है। इसमें कई इलाकों में पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है।